21 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिल जाता। हमें उम्मीद है कि 2024 तक हम दिल्ली के हर नागरिक को 24 घंटे पानी उनकी टूटी में मुहैया कराने में कामयाब होंगे। दिसंबर 2017 तक दिल्ली के हर घर में पाइपलाइन से टूटी से पीने का पानी पहुंचेगा। दिल्ली में पानी की किल्लत की तस्वीरें अब आम हो चली है। एक दो नहीं, कई इलाकों में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। भीषण गर्मी ने इस समस्या को और भी गंभीर बना दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लिना ने मोर्चा संभाला हुआ है। आतिशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली में पानी की सप्लाई को लेकर एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने दिल्ली में दूसरे राज्यों से पानी लाने की मांग की है। आतिशी ने कहा है कि अगर पानी को लेकर उनकी मांग 21 जून तक पूरी नहीं होती तो वो अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ जाएंगे। आतिशी ने और क्या कहा, आप पहले वो सुनिए। दिल्ली में 28 लाख से ज्यादा लोग इस तरह बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रहे तो फिर 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा, और मैं 21 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिल जाता। चिट्ठी में आतिशी ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील करते हुए लिखा, आखिर दिल्ली में पानी की कमी क्यों हो रही है? दिल्ली में कुल पानी की सप्लाई 1050 MGD यानी मिलियन गैलन प्रतिदिन है। इसमें हरियाणा से 613 MGD पानी आता है, लेकिन पिछले दो हफ्तों से हरियाणा से पानी आना बहुत कम हो गया है। 18 जून के अगर आंकड़े देखें तो मात्र 513 MGD पानी हरियाणा से दिल्ली भेजा गया, यानी दिल्ली को 100 MGD पानी कम मिल रहा है। 1 MGD पानी से एक दिन में तकरीबन 28,500 लोगों को पानी मिलता है। 100 MGD पानी से 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा, यानी हरियाणा सरकार ने 28 लाख दिल्ली वासियों का पानी रोक दिया है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को पानी के लिए जिम्मेदार ठहराया हो। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार अपने बयानों में ये आरोप लगाते आए हैं। केजरीवाल पहले 2017 फिर 2024 में दिल्ली के हर घर में 24 घंटे पानी पहुंचाने का वादा कर चुके हैं। हमने केजरीवाल के कुछ पुराने बयानों को खोज कर निकाला है जिनमें वो पानी को लेकर बात कर रहे हैं, सुनिए। आने वाले 5 साल के अंदर दिल्ली में आपके घर में साफ सुथरा 24 घंटे पानी सुनिश्चित करेंगे। हमने उस प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। परसों दिल्ली जल बोर्ड की मीटिंग हुई थी और इस दिल्ली जल बोर्ड की मीटिंग में हमने कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए, एक कंसल्टेंट को नियुक्त करने के लिए जो हमें सुझाव देगा कि दिल्ली में हर घर में 24 घंटे पानी पहुंचाने के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है, ये सुझाव देने के लिए हमने कंसल्टेंट की नियुक्ति करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। कोरोना हो गया था, कोरोना की वजह से लेट हो गई, नहीं तो कंसल्टेंट की नियुक्ति की कार्रवाई हम लोग मार्च या अप्रैल में ही कर देते। एक तरफ अपने को दिल्ली में पानी की उपलब्धता, पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ानी है ताकि दिल्ली में ज़्यादा पानी मिले। इसके लिए हम यूपी सरकार से बात कर रहे हैं, हम हिमाचल प्रदेश की सरकार से बात कर रहे हैं, हम उत्तराखंड की सरकार से बात कर रहे हैं, अन्य सरकारों से बात कर रहे हैं जिनके पास ज़्यादा पानी है ताकि दिल्ली को और पानी मिल सके। दिल्ली सरकार का मिशन है कि हम लोगों को, पूरी दिल्ली के लोगों को 24 घंटे पानी दिल्ली के अपनी उनके घर की टूटी में 24 घंटे पानी उनको मुहैया कराएं और साफ पानी मुहैया कराएं। इस दिशा में सरकार कई सारे कदम उठा रही है और दिल्ली में बरसात के पानी के संचयन का भी बहुत बड़ा प्लान बनाया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि 2024 तक हम दिल्ली के हर नागरिक को 24 घंटे पानी उनकी टूटी में मुहैया कराने में कामयाब होंगे। दिक्कत ये कि हमने जब 4.5 साल पहले कार्यभार संभाला था तो दिल्ली की जो दिल्ली जल बोर्ड की स्थिति थी वो काफ़ी ख़राब थी। 70 साल के अंदर जो दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड का मिसमैनेजमेंट, भ्रष्टाचार था, 4.5 साल में उसको काफ़ी सुधारा है। पहले 58% कॉलोनियों को पीने का पानी पाइप से जाता था, आज 88% कॉलोनियों को पीने का पानी जाता है। हम धीरे धीरे करके इसको 100% ले जाएंगे और पानी के भी और जगह जगह से पानी का इंतजाम हम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मैंने अपने ऑफिसर्स को बुलाया, मैंने कहा भाई पूरी दिल्ली में पानी कितने दिन में पहुँचेगा? कहते जी 5 साल लगेंगे। मैं 5 साल नहीं है, 1 साल है। दिसंबर 2017 तक आपको सारी दिल्ली के हर घर तक पानी पहुंचाना है, आप बताइए आपको कितना पैसा चाहिए।
उन्होंने कहा जी इतने 1300 करोड़ रुपए चाहिए, हमने 1300 करोड़ रुपए का एलोकेशन कर दिया। तो दिसंबर 2017 तक दिल्ली के हर घर में पाइपलाइन से टूटी से पीने का पानी पहुंचेगा। और दूसरा मैंने ये कहा है कि पानी ऐसा होना चाहिए कि टूटी खोलो और सीधे ओक लगा के पी लो। दूसरी तरफ बीजेपी अब पानी को लेकर सड़क पर उतर आई है। 19 जून को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। अगर ये कह रही है स्वयं जी पानी कम आया, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ये झूठ बोल रही है। और ये जो कह रही है अनशन पे बैठना चाहिए, इनको जरूर अनशन पे बैठना चाहिए, अपने भ्रष्ट विधायकों के लिए बैठना चाहिए, अपने भ्रष्ट मंत्रियों के लिए बैठना चाहिए और अपनी सरकार के खिलाफ बैठना चाहिए जिसने पानी की चोरी और कालाबाजारी की है। ये भी कहा कि हरियाणा और साथ ही साथ अलग अलग सरकारों ने जब नहीं मात मानी तो वो सुप्रीम कोर्ट गए, अलग अलग लोगों से मिले, तब जाकर ये कुछ राहत मिल रही। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इनको, बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हिमाचल से पानी लीजिए, हिमाचल में सरकार किसकी है, इनके गठबंधन की, ठेंगा दिखा दिया उन्होंने, नहीं दे रहे पानी, क्यों नहीं जाके सर पीटते उनका। बार बार हरियाणा का नाम इसलिए ले रहे हैं कि हमारी बीजेपी की सरकार है, एक शब्द पंजाब के लिए नहीं बोलती, एक शब्द हिमाचल के लिए नहीं बोलती, अपने भ्रष्टाचार के लिए नहीं बोलती, अपनी चोरी, अपनी कालाबाजारी और अपने झूठ को छुपाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता या आतिशी मार लेना, ये सब नौटंकीबाजी बंद करें। दिल्ली की जनता आपसे पानी की बूंद का हिसाब मांग रही है, वो हिसाब दीजिए। आतिशी ने भी 21 जून से अनशन की बात कही है। अब दिल्ली की पानी की समस्या कब दूर होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप इस मसले पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये खबर लिखी थी मेरे साथी दीपेंद्र गांधी ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।